हम पहले आए एक दुकान पे जिधर तेल का पोस्टर तो लगा है पर नीचे कुछ और ही बेचा जा रहा है। स्वाद में हिट, आगे बजट में फिट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इधर आ चुके हैं हम मार्केट पे, देखते हैं क्या हाल चाल और इधर क्या क्या चल रहा है। इधर भाई साहब बहुत भीड़ है और इधर तो देख ही सकते हो लोग क्या क्या बेच रहे हैं। भाई आज दिखाएंगे हम आपको कि हमारे इधर के मार्केट पे क्या क्या बेचा जाता है। मैं सेल्फी कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा ऑन करके चल रहा हूँ तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं क्योंकि आगे तो देख के चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए लोग गाली दे रहे हैं। इधर चारों तरफ हरी भरी सब्जी और आगे भाई साहब बहुत खड़े हैं। इधर क्या बेचा जा रहा है भाई, ये तो मैंने समझ के बाहर। हाँ, पूजा का चीज़ और इधर लाइट है। अरे भाई ये क्या है, इधर तो अनसेफ जगह पर मैं पहुँच गया भाई, मार ना दे मुझको आगे चल। हाँ ये मुझे थोड़ा सेफ लग रहा है। चलो चलो भाई आके दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें है इधर। मार्केट पे पूरा चुतियापंती करने के बाद अब हम आ चुके हैं रोड पे। तो इधर थोड़ा थोड़ा शाम होने लगा है, घर लोग घर जा रहे हैं, सभी अपने अपने काम खत्म करके हम भी जाएंगे। इधर देख ही सकते हो गए कितना भीड़ है, बहुत कम भीड़ है पर इधर देख ही सकते हो गए भाई। ऐसा होता है हमारा रोड उड़ीसा पे, हम उड़ीसा पे रहते हैं ना, हमारा उड़ीसा पे ऐसा ही होता है। गाइस हम फाइनली घर जाने वाले हैं, अभी रास्ते पे हैं। तो इधर हमको रास्ते में मिल रहा है एक ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे देख रहे सकते हो गए कि कितना कम पानी है। और ब्रिज इतना ऊंचा क्यों बनाया गया है, क्योंकि लोग ऊपर से नीचे गिरेंगे तो बचेंगे नहीं और मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बोलूँ तो ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी आता है ना, इसीलिए इसको इतना ऊँचा बनाया जा रहा है।